कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप ऑर्डर देने पे आपको कुछ नहीं मिलता, बल्कि आपने जो बनाया है वही आपको मिलता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि एक गृहिणी थी, औरत थी जो घर में रहती थी और ढेर सारे दिक्कतों का सामना कर रही थी। एक्चुअली हुआ था कि उनके पति नहीं थे और ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजर रही थी, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने अंदर एक क्वालिटी विकसित कर रखी थी कि जब भी खाना वो बनाती थी तो कम से कम एक दो रोटी एक्स्ट्रा ज़रूर बनाती थी, और अपने घर के ही एक किनारे एक अलमारी था, वहाँ पे वो क्या करती थी, रख देती थी ताकि कभी भी कोई ज़रूरतमंद आए तो जिनको भूख लगे तो कम से कम वो दो चपाती खा करके अपना कम से कम एक अच्छा सा दिन ज़रूर बिता पाया। उनका ये डेली रूटीन था और यह सब वो रोज़ करती थी जब भी रोटी बनाती थी। तो एक दिन होता गया कि एक भिखारी था, वो एक तरीके से वो भी अपना डेली रूटीन बना लिया होता है कि जा आता था और रोटी वहाँ से लेके चला जाता था, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो निश्चित तौर पे मुझे यहाँ पे खाने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी वो भिखारी वहाँ पे आता था रोटी लेने के लिए तो एक वर्ड्स ज़रूर बोलता था वो कि बुरा बुरा अपने पास रहे और अच्छा वाला घूम के आए, बुरा बुरा अपने पास रहे और अच्छा वाला घूम के आया। वो जब भी आता था इनके घर के पास या इनके दरवाजे पे तो सेम वैसे ही बोलता था और वो दो चपातियाँ लेता था और लेके चला जाता था। ये डेली रूटीन थी। होता गया था कि यदि सुबह सुबह या शाम या दोपहर कभी भी आदमी आए और आपको कुछ ऐसा बोले तो थोड़ा सा और लगता है कि यार मैं इसके लिए कुछ कर भी रही हूँ और ऑलरेडी मेरे लिए ऐसा बोला है और मैं दुख में ही हूँ, तो महिला को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन सुनते सुनते उसको क्या होता है कि थोड़ा सा मन के अंदर कुछ चीज़ें गलत कर जाती हैं, तो वो सोचती हैं कि ऐसा कर तो मैं इस रोटी के अंदर कुछ मिला देती हूँ और ये मर जाएगा और फिर ये रोज़ का इसका जो ताना मारने वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। औरत क्या करती है, पॉइजन मंगाती है, आटे के अंदर फिर से घोलती है, बनाती है और सिर्फ दो ही चपाती बनाती है। और बनाते बनाते मन में आता है कि नहीं यार, ये कुछ गलत हो रहा है, अंतरात्मा शायद उनकी आवाज़ देती होगी कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो फिर उन्होंने ये डिसीजन चेंज कर दिया, रोटी के अंदर जो हनी मिलाती हैं फिर वो उस रोटी को क्या करती हैं, फेंक देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं और फिर दूसरी रोटी बना करके फिर वापस वैसे वहीं पे रख देती हैं। और एक ट्रेजिडी उनके साथ और हुई थी कि उनका बच्चा खो गया था, तो थोड़ा सा और उसके लिए भी वो परेशान ही रहती थी। तो एक दिन होता क्या है कि सुबह दरवाजे की घंटी बजती है और उनका बच्चा वापस आता है। वो बहुत खुश होती हैं कि मेरा बच्चा वापस आएगा, हे भगवान जी आपका लाख लाख शुक्रिया रहेगा। तो फिर बच्चा वो बताता है उनका कि मम्मी मैं कल ही आ जाता लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, दिक्कत है कि मैं रास्ता भटक गया था और आते आते थक भी गया था तो मैं रोड पे ही सो गया था, भूख भी मुझे बहुत लगी थी, खाना नहीं मिलता शायद मैं ज़िंदा नहीं बचता। तो वो बताता है कि मैं सो गया था तो लेकिन मैं जैसे उठा रोड के किनारे से तो देखा कि वहाँ पे दो रोटियाँ पड़ी हैं, फिर मैं दो रोटी खाया, फिर मेरे शरीर के अंदर जान आई, फिर मैं जाके घर पे आया। और वो रोटियां कोई और ने नहीं दिया था, एक भिखारी था उन्होंने ही दिया था। फिर लेकिन हाँ, वो जब मैं रोटियां खा रहा था तो वो एक सब जरूर भिखारी बोल रहा था, दिखने में भी आम भिखारी की तरह ही लग रहा था। तो मम्मी वो एक ही चीज़ यही बोला था कि बुरा बुरा अपने पास रहा है, अच्छा वाला घूम के आया। फिर ये औरत सोच के थोड़ा सा इमोशनल हो जाती कि कल मैं ये रोटी में पॉइजन मिला के देने जा रही थी का, और ये यदि उठा करके मेरे बच्चे को मिल जाता तो शायद मेरा बच्चा वापस नहीं आ पाता। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या ना कि कर्म का जो फल है ना कभी वेस्ट नहीं जाता, निश्चित तौर पे आपको घूम के आपके ही पास आता है। थैंक यू। बड़े कमाल का कहा कि जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है और जो दूसरे के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि एक रेस्टोरेंट था, महंगा और अच्छा खासा था। लड़की और उसके पिता पहुँचते हैं। पिता बहुत गरीब रहता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि उसकी जो बिटिया थी हाई स्कूल जो है अच्छे डिवीजन से पास करी थी, अच्छे डिवीजन मीन्स पूरे शहर को टॉप करी थी। उसके पिता ने उसको प्रॉमिस किया था कि यदि आप पैसा करती हो तो मैं तुम्हें अपने शहर के सबसे अच्छे होटल में बर्गर खिलाऊंगा। और बिटिया पास होती है और वो उसी की खुशी में पार्टी मनाने के लिए उस रेस्टोरेंट में आते हैं।
और जैसे रेस्टोरेंट में इंटर करते हैं, जो वेटर होता है उनको देखने लगता है कि ये तो बहुत ही गरीब है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो वो जो पिता था उसने वेटर को ऑर्डर किया कि आप एक बर्गर आप लेते आइए, सिर्फ एक। और उसने पूछा आप नहीं खाएंगे? तो बोला नहीं, सिर्फ मेरी बिटिया खाएगी, क्योंकि उसने हाई स्कूल जो है पूरे शहर में टॉप किया है, तो उसी खुशी में हम लोग पार्टी देने आए हैं। वेटर क्या करता है कि वापस जाता है और मालिक से बोलता है कि दो लोग आए हुए हैं, एक लड़की है और एक उसके पिता हैं, और वो बर्गर खाना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि दो बर्गर आप दीजिए, ताकि एक बर्गर उसकी बिटिया खाएगी और एक बर्गर उसके पिताजी खाएंगे, क्योंकि उनकी जो बिटिया है पूरे शहर को टॉप करी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सैलरी से पैसे काट लीजिए, लेकिन दो बर्गर दीजिए। तो जो मालिक था रेस्टोरेंट का, वो कहता है कि दो ही बर्गर क्यों? क्योंकि तो आप बर्गर भी लेके जाओ, मिठाई भी लेके जाओ, साथ में और 10-15 बर्गर और भी लेके जाओ, उसको पैक करके आप उनको दो, क्योंकि वो उनकी बिटिया नहीं है, वो मेरी भी बिटिया है, और उसने पूरे शहर का नाम रोशन किया है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी थोड़ा सा उनको इनक्रेज करें। तो जो रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर रहता है, वो भी बहुत खुश होता है कि यार मैं तो बहुत ही अच्छे काम कर रहा हूँ, मेरा मालिक तो बहुत ही अच्छा है, दिलदार है। तो मालिक क्या करता है, देता है, पैकिंग होती है अच्छे से, ले जा कर जैसे ही उनके पास पहुँचता है, तो जो पिता था वो तो बोलता है कि मैंने तो एक ही ऑर्डर किया था, आप इतना ढेर सारा क्यों लेके आए? तो उन्होंने अपने मालिक के बारे में वो सारी चीज़ बताया, वेटर ने बताया। तो फिर क्या होता है कि वो पिता पुत्री उस बर्गर को साथ में ढेर सारी मिठाई को लेके जाते हैं, अपना अच्छे से पार्टी वगैरह इंजॉय करते हैं। कुछ समय बीतता है, लड़की क्या करती है, यूपीएससी की तैयारी वगैरह करती है, और लास्टली वो SDM बन जाती है। और फिर कुछ समय बाद उसकी पोस्टिंग भी अनफॉर्चुनेटली उसी शहर में होता है। और जब उसी शहर में होता है, तो एक दिन वो क्या करती है, अपने पिता को लेकर के उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसने जब हाई स्कूल टॉप करा था, तो खाने के लिए गई थी। और मालिक तो पहचान नहीं पाता, हो सोचता कि मालिक तो पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग बड़े लोग आते हैं उन्हें खाने। लेकिन उस पिता ने उस रेस्टोरेंट का मालिक को बताया था कि हम लोग जो मेरी बिटिया टॉप करी थी, तो आपके रेस्टोरेंट में आते हैं उस समय बर्गर खा रहे हैं, और आज मैं आपको आपके साथ साथ पूरे स्टाफ को पार्टी में शामिल कर रही हूँ, और इसको आप मना मत करिएगा। कहानी छोटी सी है, लेकिन सीख हमें देती है कि कभी भी किसी की गरीबी में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खास करके छोटे लोगों का, क्योंकि किस्मत कब पलटेगी आप नहीं जानते हैं। मदद नहीं कर सकते तो मजाक भी मत उड़ाइए। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश, और शुरू करते एक छोटी सी कहानी। अक्सर आपने सुना होगा, साथी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप उसके साथ रहेंगे तो संघर्ष वो क्यों करेगा? कहानी कुछ यूँ है कि एक सेठ जी थे, और बढ़िया से उनका जीवन यापन हो रहा था। और एक दिन क्या होता कि सेठ जी एक्सपायर कर जाते हैं, और उनकी वाइफ सिर्फ बचती है और एक बच्चा भी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, घर की आर्थिक स्थिति जो है ख़राब होती चली जाती है। एक दिन होता गया कि उसकी पढ़ाई वगैरह भी बंद होने के कगार पे आ जाती है। तो उनकी माता जी क्या कहते हैं कि बेटा घर में कुछ जेवर रखे हैं, आप उसको जाओ सेठ जी के यहाँ, उसको बेच करके जो कुछ पैसे आएंगे तो कुछ अपना पढ़ाई में लगा लेना, और कुछ अपना जो है घर के खर्चे में काम चलेगा। तो मम्मी एक पोटली से बांधती हैं और बच्चे को हैंड ओवर करती हैं। बच्चा उस पोटली को लेकर के मम्मी से पूछता है कि मम्मी इसको मैं किस दुकान पे लेके जाऊँ ताकि इसका दाम वगैरह अच्छा मिले और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो मम्मी बोलती कि अब मार्केट के जो सबसे लास्ट में दुकान आएगा, आप उसके पास चले जाना, और वो हम लोग के जान पहचान के हैं, वो इसको अच्छा रेट लगाएंगे और आप इसको वहीं पे दे देना। लड़का पोटली लेता है और मम्मी के बताए हुए दुकान पे जाता है और उनको देता है। ये सेठ जी उस पोटली को लेते हैं और अच्छे से देखते हैं, फिर वो पोटली उनको वापस कर देते हैं बच्चे को। बच्चा थोड़ा सा निराश होता है, बोलता है कि सोचने लगता है कि सेठ जी ने इसको क्यों वापस किया। तो सेठ जी कहते हैं कि अभी आप इसको अपने घर पे ही रखो, और अभी मार्केट में जो है वैल्यू इसकी कम है, जब वैल्यू मार्केट की अच्छी हो जाएगी तो फिर आप आना, मैं इसको आराम से अपने पास रख लूँगा और इसके एवज में पैसे दे दूँगा ताकि आपकी जो ज़रूरत है वो फुलफिल हो जाए। तो और साथ ही में वो एक सजा लड़के को सलाह भी देते हैं कि ऐसा आप करना कि यदि पढ़ाई से जो भी टाइम बचेगा, 1-2 घंटे मेरे दुकान पे आना और अपना समय देना, जो भी तुम्हें अच्छी चीज़ें लगेंगी वो सीखते रहना। लड़का कहता है ठीक है। घर पे वो पोटली लेकर जाता है तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तो वो बताता है कि
मम्मी सेठ जी को मैंने ये गहने दिए थे, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया और बोला है कि आप बल्कि पढ़ाई करो और साथ में जो भी जरूरत की चीज़ें रहेंगी मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बदले में क्या करना होगा कि तुम मेरे दुकान पर आओगे, 1 से 2 घंटे का टाइम जो भी रहेगा आप दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारी पढ़ाई भी कम्प्लीट हो जाएगी और आपको छोटा सा ज्ञान भी मिल जाएगा। उसकी मम्मी कहती है मेरे रिश्तेदार तो बहुत ही अच्छे हैं, दुख की घड़ी में साथ दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो लड़का वही करता है, एक रूटीन फॉलो करता है, पढ़ने जाता है, वापस आता है, फिर दुकान पे जाता है और धीरे 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 वो सारी चीज़ें वो अच्छे से सीख लेता है और कुछ समय बाद वो एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। एक्सपर्ट मीन्स ये कि यानी वो देखते ही पहचान जाता है कि अभी क्या असली है, क्या नकली है, या फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अपने फ्यूचर के बारे में भी वो डिसीजन लेने में सक्षम हो जाता है। तो एक दिन क्या करता है कि सेठ जी उससे बोलते हैं कि बेटा अब जाओ वो गहना लेते आओ और अभी मार्केट वैल्यू अच्छी है, फिर आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो लड़का वापस अपने घर जाता है और मम्मी से कहता है मम्मी सेठ जी बोले कि वो गहना आप मुझे अब दे दो क्योंकि मार्केट वैल्यू अच्छी है, कीमत उसको बढ़िया से मिल जाएगा। तो मम्मी उसकी वो पोटली उठा के लाती हैं। तो लड़का सोचता है कि मैं तो जौहरी के यहाँ पे अभी रह लिया हूँ, अच्छे से सीख भी गया हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा करता हूँ उसको खोल के थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो मुझे भी एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि इसका प्राइस वगैरह क्या है। तो लड़का क्या करता है उस पोटली खोलता है, मम्मी नहीं रहती हैं उनकी अब्सेंटिंग में यानी उनकी अनुपस्थिति में, वो उस पोटली को खोलता है। लड़का जैसे उस पोटली खोलता है शौक रह जाता है और सोचता ही रह जाता है क्योंकि एक्चुअली वो पोटली में जो बंधा हुआ पूरा सोने चांदी के जो आभूषण थे वो पूरे पूरे नकली थे। अब वो सोच में पड़ गया कि अभी मैं सेठ जी को सुबह जाके क्या बोलूँगा, लेकिन फिर डिसाइड करता कि नहीं चलते हैं बात करते हैं। फिर वो सेठ जी के पास जाता है और बताता है कि सेठ जी ये सारे गहने नकली हैं। तो सेठ जी कहते हैं ऐसे पता था कि वो गहने नकली हैं और यदि मैं उसी दिन आपको बता देता तो आज जो समझ आपके अंदर पैदा हुई है साथ नहीं होती। छोटी सी कहानी दोस्तों लाइफ में है कि जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं हो जाता किसी भी चीज़ का तो किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि निश्चित तौर पे जो भी ज़रूरतमंद है उनके होठों पे आप थोड़ा सा मुस्कान लाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू।